हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस, आज मैं रेडी होके जा रही हूँ वट सावित्री की पूजा करने के लिए। तो मैं वहाँ कैसे पूजा वगैरह करती हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए मिलते हैं। हम लोग घर से निकल चुके हैं। यहाँ से वट का पेड़ जो है काफ़ी दूर में है, तो हम लोग सब इकट्ठे होके निकल रहे हैं जिससे कि जल्दी पहुँच जाएँ और पूजा करें। तो पूजा वगैरह का मैंने ब्लॉग नहीं कर पाया है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो उसके बाद मैं जो फेरी लगाना स्टार्ट करी हूँ तो उसी का मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है। आप ही लोग देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हो गया था, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल ही नहीं हो पाया था। तो फिर दूर से ही हमने मतलब कि फेरी वाला ब्लॉग ही मतलब वीडियो बना लिया है। तो उसमें रहता है ना कि मतलब वट सावित्री का व्रत है तो 12 बार ही उसकी वट की परिक्रमा करते हैं, और साथ में आपको जो भी लेना है हाथ में ले सकते हैं। और उसी के साथ में मैंने उससे पहले जो कच्चा सूत होता है या जिसको धागा कहते हैं उसको भी लेके हम लोग कर रहे थे कि मेरा क्या हुआ था ना कि 3 ही बार में ख़त्म हो गया था। मुझे लगा कि शायद वट का पेड़ कुछ छोटा होगा, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा था इसलिए ज़्यादा देर तक मेरा चल ही नहीं पाया। 3 बार तक घूमी, उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो अब फेरी लगा लेते हैं। और आसपास में कोई दुकान भी नहीं था क्योंकि ना हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे कि धूप हो जाएगी तो जल्दी जल्दी पूजा वगैरह सब करके और वापस घर आ जाएंगे। तो हर जगह का अपना अलग अलग नियम होता है, तो हम लोगों के यहाँ जैसी भी पूजा होती है मैंने वैसे ही की है। मेन है कि इस सब जगह, जैसे हम लोग MP से हैं तो वहाँ पर पूजा अलग तरह से होती है, और यहाँ पे झारखंड में मैंने पूजा की थी तो यहाँ अलग तरीके से होती है। और हमारी पूजा होके अब हमने कथा वगैरह भी सुन लिया है और उसकी आरती हो रही है। कथा का भी ब्लॉग मैं नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने आरती वगैरह ब्लॉग बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि फिर वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो अब हम लोगों की आरती हो रही है भगवान की, उसके बाद हम लोग हवन भी करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अब आरती भी कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी पंडित जी को दान दक्षिणा का सामान था, यानी कि जो भी सुहाग की चीज़ें थी, और इसमें मतलब बीना का बहुत बड़ा रोल रहता है, वो सब दे के मैं पंडित जी को दे रही हूँ कि पंडित जी। और हाँ, इसमें रहता है ना कि इसमें शरबत वगैरह पिलाते हैं, तो पंडित जी को मैंने कहा कि शक्कर डाल देते हैं इसमें तो पंडित जी अपना पी लेंगे। फिर तो उसके बाद मैंने पंडित जी का आशीर्वाद लिया है और उनको कहा कि मेरे हाथ में पंडित जी धागा भी बांध दीजिए। हम लोगों क्या होता है ना कि मतलब धागे में 12 गांठ लगाते हैं, जैसे कि वट सावित्री की पूजा है तो 12 गांठ लगाते हैं, उसके बाद उसको अपने हाथ में पंडित जी के द्वारा बंधवा लेते हैं। ऐसा हम लोगों क्या होता है, कोई रिवाज है ऐसा, तो हम लोग भी वैसे ही करते हैं। तो सब दक्षिणा वगैरह मैंने दे दिया, अब उसके बाद हम लोग के घर चलने की तैयारी हो रही है। तो पानी वगैरह सब फेंक रहे हैं और अपना सब सामान इकट्ठा कर रहे हैं, और भाभी लोग भी चल दी हैं। ये हम लोगों का लास्ट का फ़ोटो शूट हुआ है, उसके बाद हम तो गाइस हम लोग पूजा वगैरह कंप्लीट करके अपने घर आ गए हैं। और मैंने बाल वगैरह भी सब खोल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।